पानी की टंकी बनी शोपीस, ग्रामीणों में आक्रोश। पूरा मामला पलानी थाना क्षेत्र के अंतर्गत चंदवारा गांव का है। जल कर्मियों की लापरवाही से ग्रामीण बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं, जहां पर ग्रामीणों को पीने के लिए पानी नहीं मिल पा रहा। ग्रामीणों में प्रशासन के खिलाफ आक्रोश है। ग्रामीणों शिवम, राम किशोर, गंगा प्रसाद, सिद्ध गोपाल, शिवचरण ने बताया कि गांव में पानी की टंकी बने हुए कई साल हो गए, लेकिन शोपीस की तरह ही कई महीने से खड़ी है। गांव की पाइपलाइनें कई जगह से टूटी हैं, जिसकी शिकायत कई बार उच्च अधिकारियों से की गई है, लेकिन कोई भी अधिकारी पानी की टंकी की तरफ ध्यान नहीं दे रहा। इस संबंध में कई बार ग्राम प्रधान से भी कहा गया, लेकिन ग्राम प्रधान ने भी टंकी की तरफ ध्यान नहीं दिया। जब पूरे मामले की जानकारी ग्राम प्रधान से लेनी चाहिए, उनका कहना था कि पानी की टंकी बनी है, गांव में सप्लाई भी है, उस जगह है जहां पर सप्लाई नहीं पहुंच पाती, जिसको समय मिलने पर बनवा दिया जाएगा। रिपोर्ट ब्रजेश अवस्थी, संजय। भैया पानी की टंकी बनी है, लोग कहते हैं शोपीस की तरह है, पानी नहीं चलता गांव में, क्या है पूरा मामला? भैया ये बिल्कुल शोपीस की ही तरीके बनी है, ना तो इधर पानी चलता है, कम से कम 1.5-2 महीने हो गए ना पानी चलने का नाम ले रहा है। और अधिकारी को कंप्लेन भी की जाती है कि पाइपलाइन फटी, प्रधान जी को भी कहा कि पाइपलाइन फटी है, हर चीज कोई भी कोई मतलब आश्वासन सब कोई देता है, बाकी कोई मतलब ना पाइपलाइन ना तो इधर कोई ऑपरेटर सर देख लीजिए, कोई रहता है ना, तो मतलब नालियों में बह रहा है, मतलब जो अलूल जुलूल पानी, जनमानस बहुत परेशान है, कभी कभी तो सरकार वो बिल्कुल का कहते नल भी खराब हो जाते हैं, तो इसी में परेशानी होती है। आपने कभी प्रधान जी से कहा इस संबंध में? जी। क्या कहते हैं? आश्वासन मिलता है। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम सर गंगा प्रसाद। कहाँ के हैं निवासी? जरूर चंदवारा के साथ। ये जो टंकी बनी है, इससे पानी सप्लाई नहीं जाता, क्या है पूरा मामला? ये रास्ते में साहब हर जगह लीकेज है, प्रॉब्लम है, और ये पुरानी नाली है, 20-20 साल की पहले की पड़ी गई, सड़ गई है। अच्छा। तो वो इसके वजह से जो है वो फटाक से तुरंत फोड़ देती है, पानी बहना चालू हो जाता है, बराबर बन नहीं रही है। 20 साल पहले की पुरानी बनी हुई है, वो पाइपलाइन तो खराब हो चुकी है, सड़ चुकी है वो। अब वो नई लाइन पड़े तो साहब वो पानी भी जरा कुछ दिन रास्ते चले। क्या गाँव में पानी नहीं किसी के पास जाता सप्लाई वाला? अब साहब जाता है, लीकेज बहुत है, बहुत लीकेज है, लीकेज से वो तुरंत फोड़ देता है, जहाँ यहाँ से पावर लगाया गया, हाँ रास्ता से बहने लगता है, पुरानी नाली से वो फोड़ जाता है वो। आपने कभी इस संबंध में प्रधान जी से कहा? प्रधान जी से क्यों नहीं कहा, हम तो कहा से इतनी यहाँ रहा साहब कि यहाँ पानी की इतनी लंबी प्रॉब्लम रहा, जानवरों के लिए, आदमियों के लिए, यहाँ तो बहुत लंबा प्रॉब्लम था, 20 बार प्रधान जी से कहा गया, बाकी उन्होंने बोले हाँ हो जाएगा, हो जाएगा, आश्वासन देते हैं। जी हाँ।